सो हे वेल हे हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस नए एक्साइटिंग वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कैसे आप अपने कोई भी शॉमी के डिवाइस में जो है एड्स को परमानेंटली बंद कर सकते हो, क्योंकि आजकल जो है शॉमी के एड्स बहुत बढ़ गए अपने शॉमी के डिवाइस में और यूज़र्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मतलब कि इरीटेशन हो रहा है कि बार बार जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो तो एड्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई परमानेंट सोल्यूशन बता दूंगा जिसकी मदद से आप इसको जो है बंद कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं एमआई म्यूज़िक के बारे में। तो यहाँ पर एमआई म्यूज़िक में तो आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर आपको ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर ऐड आएगा, तो उसको आपको स्किप करना पड़ेगा, तब आप म्यूज़िक प्लेयर में एंटर करोगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसको आप बंद कर सकते हो। यहाँ पर स्लाइड करिए, सेटिंग्स में जाइए। तो सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मे बी यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ प्राइवेसी पॉलिसी नहीं, यहाँ पर आपको वेब पेज लेके जा रहा है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर एडवांस सेटिंग में भी, यहाँ पर एडवांस सेटिंग में स्क्रॉल ऑन करने पर आपको रिसीव रिकमेंडेशन को ऑफ करना है, क्योंकि मैंने अभी भी ऑफ किया था लेकिन फिर भी मुझे एक बैनर ऐड आ गया था। लेकिन इसके बाद जो आपको एड्स आने कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एड्स परमानेंटली भी बंद हो सकते हैं लेकिन और कम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अब मैं जब भी इसको बंद करके एक बार ऑन करता हूँ ताकि आपके माइंड में डाउट ना रहे, कि यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको क्लियर कर दिया और फिर से म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मुझे कोई भी ऐड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ना कोई बैनर ऐड दिखाई दे रहा है, ना कोई यहाँ पर फुल स्क्रीन ऐड दिखाई दे रहा है, तो सिंपली यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बात हो गई एमआई म्यूज़िक के बारे में, जो कि बहुत सारे यूज़र्स यूज़ करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो अब बात करते हैं एमआई वीडियो के बारे में। तो एमआई वीडियो भी एक सेकेंड एप्लीकेशन है जो कि शॉमी के यूज़र्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं। तो इसको भी जैसे आप ओपन करोगे तो आपके सामने ऐड आएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको बंद किया है तो मुझे यहाँ पर कोई भी ऐड नहीं दिखा रहा है। तो इसको बंद कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको आना है सेटिंग्स में, साइड स्लाइड बार सेटिंग्स में आपको आना है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन रिकमेंडेशन को और पुश मैसेज को दोनों को बंद कर देना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी बंद किया है तो इसलिए मुझे कोई भी एड्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो पुश मैसेज को भी ऑल्सो यहाँ पर आपको बंद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगी इस यहाँ पर एमआई अकाउंट से, तो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा कि यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर अपडेट आया है, तो आप जाकर देख सकते हो। तो ये एक सेकेंड बात हो गई आपको एमआई वीडियो से रिलेटेड। तो अब नेक्स्ट ऐड आता है यहाँ पर आपको मे बी यहाँ पर फिर ब्राउज़र में आता है। तो यहाँ पर ब्राउज़र में चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको ब्राउज़र में एक बार यहाँ पर ओपन करने लोड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप हमारे वीडियो यहाँ तक देख चुकी हो तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, मतलब कि सब्सक्राइब कीजिए, उस लाल वाले बटन क्लिक करके और साथ ही साथ नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिएगा। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको टेक्निकल वीडियो आपके लिए लाता हूँ जिसको आप बहुत हेल्पफुल लगेगा आपके लिए, सभी के लिए। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर आपको आओगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे एड्स मतलब कि बहुत सारे नोटिफिकेशन भी आते होंगे। तो उसको कैसे बंद करते हैं, आपको आना है फिर यहाँ पर थ्री डॉट्स पर और साथ ही साथ पर चले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आपको थोड़े ऑप्शन मिलते हैं, तो आपको स्क्रॉल ऑन करते जाना है। तो मे बी यहाँ पर आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिकमेंडेड फॉर यू, तो इसको आपको ऑफ करना है। तो जैसे इसको आपको ऑफ करोगे तो जो भी यहाँ पर ब्राउज़र में आपको कोई भी एक वेब ब्राउज़र खुलता रहता है तो वो डायरेक्टली नहीं खुलेगा इसके बाद से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसको जो आप ऑफ कर सकते हो यहाँ पर आकर, और ब्लॉक पॉपअप्स को भी यहाँ पर अनेबल कर सकते हो, जिसकी मदद से जो भी यहाँ पर एड्स आपको ब्राउज़र में मिलते हैं, मतलब कि कोई भी वेब ब्राउज़र मिलते हैं, तो यहाँ वो यहाँ पर ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये हो गया, यहाँ पर ब्राउज़र का भी काम खत्म हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं हमारे एक मेन सेटिंग्स की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको सेटिंग में जाना है। तो यहाँ पर चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में अभी आपको एक ऑप्शन को डिसेबल करना है जिसकी मदद से आपको सिस्टम में जो एड्स कम आने कम हो जाएंगे। तो आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। तो उसके बाद आपको जाना है प्राइवेसी में। तो प्राइवेसी में जैसे यहाँ पर आपको जाओगे तो यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो अगर आपको यहाँ पर एड्स का दिखाई देगा तो ऐड सर्विस पर क्लिक करना है। तो पर्सनल ऐड रिकमेंडेशन को आपको ऑफ कर देना है। तो जैसे इसको आप ऑफ करोगे तो यहाँ पर आपको एड्स आने बंद हो जाएंगे अपने सिस्टम पर, जो भी जिससे भी रिलेटेड हो, कोई भी वेब से रिलेटेड हो, इंटरनेट से रिलेटेड हो, तो यहाँ पर आपको सारे के सारे बंद हो जाएंगे। तो एक सिंपल सा मेथड है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो मुझे इस यहाँ पर यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब करके, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहता हूँ। तो एक और बात यहाँ पर ग्लिच ये है कि यहाँ पर आपको थीम्स में भी एड्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन इसको कैसे डिसेबल करते हैं तो उसका भी मैं आपको नेक्स्ट ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि यहाँ परमानेंट ट्रिक तो कहीं पर भी मिल नहीं रहा है। तो मैं यहाँ पर सामने बता सकूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन दे सकता हूँ कि यहाँ पर भी आप आकर रिकमेंडेशन को ऑफ कर सकते हो। लेकिन मेरे ओपिनियन में ये कोई टेम्परेरी सोल्यूशन, लेकिन मैं आपको परमानेंट सोल्यूशन भी जरूर से लेके आऊँगा। तो इसको भी यहाँ पर ऑफ कर दीजिए, उसके बाद देख सकते हो आपको कहीं पर भी आपको एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको ऐड आ रहे हैं, तो यहाँ पर पहले इसको जो है एक बार क्लियर कर लेते हैं और इसको फिर से ओपन कर लेते हैं थीम्स एप्लीकेशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने रिकमेंडेशन को ऑफ किया है, तो फिर भी मुझे ऐड आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इसका परमानेंट सोल्यूशन आपको लेकर आऊँगा थीम्स के लिए।
बाकी आपको जो भी यहाँ पर दूसरे हैं उसमें सारे को मैंने एड्स फिक्स कर दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जो जो भी एड्स से तकलीफ़ हो रही है उनको और बहुत ही दिक्कत आ रही है तो उनके साथ शेयर कीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो होप करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। मैं मिलता हूँ एक और नए एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।